हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आज है 14th फेब और मैं आपकी दोस्त बुशरा। कैसे हैं आप लोग? और सब ठीक ठाक? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर। आई होप सो कि आप लोग मेहनत करेंगे और कम्प्लीटली, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग कम्प्लीटली वॉच करेंगे। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ फुल वॉच करें और ध्यान से कम्प्लीट, मतलब केयरफुली लिसन विथ केयरफुली, प्लीज़ वॉच कम्प्लीटली। ओके, चलिए लेते हैं 14 फरवरी का पहला क्वेश्चन। ओके, हाल ही में अभी विश्व रेडियो दिवस कब मनाया गया है? वर्ल्ड रेडियो डे कब मनाया गया है? तो अभी 13 फरवरी को, 13 फरवरी को मनाया गया है वर्ल्ड रेडियो डे। अब ये मनाया क्यों जाता है? तो रेडियो के बारे में और इसके महत्व के बारे में जागरूक करने के लिए लोगों को ये मनाया जाता है विश्व रेडियो दिवस, यानी वर्ल्ड रेडियो डे। अब इसको मनाता कौन है? तो यूनाइटेड नेशन। इसकी स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 को। अब इसकी एस्टैब्लिशमेंट तो 24 अक्टूबर है, तो इसलिए इसको यूनाइटेड नेशन डे भी 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। एंटोनियो गुटेरेस इसके कौन है? प्रेसिडेंट हैं। ये आपको याद रखना है। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट डे मनाया जाता है इसको 13 फरवरी को। 13 फरवरी को ये तो हो ही गया वर्ल्ड रेडियो डे, इम्पॉर्टेंट है बहुत। दूसरा एक और इम्पॉर्टेंट डे मनाया जाता है, वो कौन सा है? नेशनल वेमेंस डे। आपने इंटरनेशनल वेमेंस डे के बारे में तो सब ने जानना है और सब सुनते हैं, सब जानते हैं। कब मनाया जाता है इंटरनेशनल वेमेंस डे? 8 मार्च को, 8 मार्च को। लेकिन नेशनल वेमेंस डे मनाया जाता है 13 फरवरी को, यानी 13th फेब को। 13 फरवरी को मनाया गया है नेशनल वेमेंस डे। ये दूसरा इम्पॉर्टेंट डे है, यानी दो इम्पॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, 13 फरवरी को वर्ल्ड रेडियो डे और नेशनल वेमेंस डे। तो नेशनल वेमेंस डे क्यों मनाया जाता है 13 फरवरी को? क्योंकि सरोजनी नायडू का नाम सबने सुना होगा। इनका जन्म हुआ था 13 फरवरी को। 13 फरवरी को जन्मदिन होता है सरोजनी नायडू का। और ये भारत की पहली महिला राज्यपाल रही हैं। ये क्या है? इंडिया की फर्स्ट वुमेन गवर्नर हैं। तो ये आपको याद रखना है। इनको भारत का कोकिला भी कहा जाता है। भारत का कोकिला, ठीक है, कोकिला भारत का कहा जाता है। मगर इनको इतना याद रखना है कि ये दो फैक्ट तो याद रखने, ये तो नहीं पूछेंगे भारत का कोकिला, ये तो कोकिला की बात तो ऐसी है कि जो है वो तो मैं आपको फैक्ट बता रही हूँ, लेकिन हकीकत क्या है कि महिला राज्यपाल रही हैं, ये भी बात सही है। और ये भी बात सही है कि 13 फरवरी को इनका जन्मदिन होता है। एक जस्ट भी तो आपने सुना मैंने क्या बताया आपको, सॉरी आपको होल्ड पे रहना पड़ा। आप लोगों ने सुना कि ये जो है महिला गवर्नर है, ठीक, याद रखिए 13 फरवरी को इनका नेशनल वुमेन्स डे मतलब मनाया जाता है इनके जन्मदिन के अवसर पर। ओके, ठीक। अब ये इम्पोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है, तो आप लोगों को इम्पोर्टेंट डे क्या करना है कमेंट बॉक्स में लिखना है। सारे इम्पोर्टेंट डेज कमेंट बॉक्स में लिखिए और प्लीज़ मुझे भेजिए, क्योंकि मैं आपका देखूंगी कि आप लोग रिवाइज कर रहे हैं या नहीं। और ज़रूर बताया करें मुझे कैसा लगता है आपको सेशन। चलिए, ये दो डे वाला क्वेश्चन हो गया, याद रखना है आप लोग को, नेशनल वुमेंस डे और क्या दूसरा, क्या, वर्ल्ड रेडियो डे, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में अभी किस स्टार्टअप कंपनी ने 34 उपग्रह लॉन्च किए हैं? तो ब्रिटेन की एक स्टार्टअप कंपनी है, क्या नाम है? पहले तो ये सुनिए, ब्रिटेन की एक स्टार्टअप कंपनी है, इसने 34 उपग्रह लॉन्च किए। कितने? 34। ये जो उपग्रह लॉन्च किए हैं ना, ये कजाकिस्तान के बेकानूर पोर्ट से लॉन्च किए हैं। क्या? कजाकिस्तान के बाकेनूर पोर्ट से लॉन्च किए हैं। कहाँ का ये? कजाकिस्तान का, ठीक है। तो ये ब्रिटेन की स्टार्टअप कंपनी, इसका नाम क्या है? वन वेब।
क्या नाम है इसका, वन वेब। तो ब्रिटेन की ये जो स्टार्टअप कंपनी वन वेब, वन वेब इसने कजाकिस्तान के बाकेनूर पोर्ट से लॉन्च किए हैं 34 उपग्रह, ठीक है, याद रखना है आपको। ओके चलिए, हाल ही में अभी नंदू आर कुलकर्णी का निधन हो गया, ये कौन थे। तो नंदू आर कुलकर्णी ये एक फेमस यानी प्रतिष्ठित पत्रकार थे, ये एक प्रतिष्ठित पत्रकार थे, कौन, नंदू आर कुलकर्णी, और इनका अभी निधन हो गया, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए जरा, हाल ही में किस देश के, किस देश के राष्ट्रपति अपने देश भारत 4 दिवसीय यात्रा पर यानी ऑफिशियल विजिट पर या आधिकारिक यात्रा पर आए हैं। क्वेश्चन दोबारा सुनिए, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति अपने देश भारत 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर आए हैं। आधिकारिक यात्रा बोले तो ऑफिशियल विजिट, ठीक है, तो 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर आए हैं किस देश के राष्ट्रपति अपने देश भारत। तो ये है मार्सेलो रेवेलो डी सूसा, मार्सेलो रेवेलो डी सूसा, ये कौन है, पुर्तगाल के राष्ट्रपति, पुर्तगाल के राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट हैं, कौन, मार्सेलो रेवेलो डी सूसा, ये कहाँ के, पुर्तगाल के प्रेसिडेंट हैं। ये 4 डेज की ऑफिशियल विजिट पर अपने देश इंडिया आए हैं, अपने कंट्री इंडिया आए हैं। कहाँ के ये हैं, ये पुर्तगाल के यानी हिंदी में बोलें तो पुर्तगाल के राष्ट्रपति, कौन, क्या नाम है इनका, मार्सेलो रेवेलो डी सूसा, इतना याद रखिए, मार्सेलो रेवेलो डी सूसा, मार्सेलो रेवेलो डी सूसा, ये नाम है इनका, ठीक है, ये पुर्तगाल के हैं। पुर्तगाल की कैपिटल क्या है, लिस्बन। पुर्तगाल की करेंसी क्या है, यूरो। पुर्तगाल को पुर्तगाल भी कहते हैं और प्रेसिडेंट तो यही है, मार्सेलो रेवेलो डी सूसा, ठीक, इनका नाम इंटरेस्टिंग है ना, क्या लगता है आपको। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में ई ऑफिस पर, ई ऑफिस पर आधारित एक आधिकारिक कार्यशाला का आयोजन कहाँ हुआ है, ई ऑफिस पर आधारित एक आधिकारिक कार्यशाला का आयोजन कहाँ हुआ है। तो ई ऑफिस पर आधारित एक कार्यशाला का आयोजन कहाँ हुआ है, तो ये हुआ है नई दिल्ली में, नई दिल्ली में एक आयोजित हुई है ई ऑफिस पर आधारित क्या एक कार्यशाला। अब ये क्या है, देखिए हमारे प्रेजेंट टाइम के लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्री हैं कौन, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, पेंशन राज्य मंत्री एवं लोक शिकायत मंत्री, ठीक है, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री हैं, पेंशन मंत्री हैं, राज्य नहीं, माफ कीजिए, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्री, क्योंकि हर चीज का 2 मिनिस्टर होते हैं, पेंशन राज्य मिनिस्टर और जैसे केंद्रीय गृह राज्य मिनिस्टर हैं, है ना, ऐसे ही एक गृह मंत्री हैं, तो दो, एक केंद्रीय, एक ऐसी केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री हैं, एक राज्य जनजातियों के मंत्री हैं, तो इस तरीके से मंत्रिपरिषद का जब मैं आपको पॉलिटी एंड गवर्नेंस पढ़ाऊंगी उसमें बताऊंगी आपको, ठीक है। चलिए फिलहाल इतना जानते हैं कि पेंशन, हाँ, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इन्होंने इस ई ऑफिस पर आधारित राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया है, उद्घाटन किया है नई दिल्ली में। क्या उद्घाटन कहाँ किया है, नई दिल्ली में, किसने, ई ऑफिस यानी लोक शिकायत मंत्रालय ने, लोक शिकायत मंत्रालय ने। अब क्या है, साल भर में जितनी भी पब्लिक की कंप्लेंट्स होती हैं वो लाखों आ जाती हैं, लाखों के हिसाब से साल भर में बहुत सारी शिकायतें आती हैं पब्लिक की यानी जनता की, तो उन्हीं शिकायतों के निपटारे के लिए, क्या, उन्हीं जो कंप्लेंट्स हैं उनके सॉल्यूशन के लिए ये ई ऑफिस पर आधारित राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन नई दिल्ली में हुआ है। इसका उद्घाटन किया है पेंशन मंत्री एवं लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह। एक्चुअली मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है कि पेंशन राज्य मंत्री हैं या केवल लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्री हैं, मैं देख लूँगी, कोई इशू नहीं, वो मैं देख लूँगी, ठीक है, और आपको बता भी दूँगी। तो ये कौन है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह,
ठीक है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए जरा। हाल ही में अपने देश भारत ने मत्स्य पालन के लिए किस देश के साथ एक समझौता किया है? हाल ही में अपने देश भारत ने मत्स्य पालन के लिए किस देश के साथ एक समझौता किया है? अपने देश भारत ने किस देश के साथ एक समझौता किया है, किस पर? मत्स्य पालन पर। तो इंडिया ने समझौता यानी एक MOU किया है, किस पर? फिशरीज पर। किसके साथ? आइसलैंड के साथ। आइसलैंड के साथ अपने देश भारत ने मत्स्य पालन पर एक समझौता किया है। मत्स्य पालन के लिए एक समझौता किसने किया है? अपने देश भारत ने आइसलैंड के साथ। अब ये समझौता आइसलैंड के साथ हुआ है तो बात आइसलैंड की भी करनी पड़ेगी। आइसलैंड की कैपिटल है रेक्सविक। क्या है? रेक्सविक। और आइसलैंड की करेंसी है आइसलैंडिक क्रूना, आइसलैंडिक क्रूना। और आइसलैंड के प्रेसिडेंट हैं जीके जॉनसन। कौन है? जीके जॉनसन, जीके जॉनसन। ठीक ठीक है जी, मजा आ रहा है ना? चलिए कंटिन्यू करते रहिए। दो तीन फैक्ट सुनिए दोस्तों। पहला फैक्ट एक ये चीज़ है कि मैंने आपको जो 34 उपग्रह जो एक साथ ब्रिटेन की कंपनी ने लॉन्च किए हैं, वो आपको बताया कहाँ से लॉन्च किए हैं, कजाकिस्तान के बाकी नूर से। तो उसका हेडक्वार्टर देख लीजिए, इसका नाम तो बता दिया था वन वेब। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? लंदन में। अच्छा, ये इसके हेड का नाम भी सुन लीजिए, इसके सेक्रेटरी, इसके चीफ कौन है? तो हैं एड्रिन स्टैकलर। ठीक है, ये इसके एड्रिन स्टैकलर, ये वन वेब के प्रेसिडेंट हैं, यानी CEO हैं, कहा जाए तो CEO हैं। ठीक, ओके। और एक फैक्ट ये भी देख लीजिए कि ये जो मैंने आपको बताया नंदू आर कुलकर्णी, इनका जो नाम बताया है, तो इनका जो निधन हुआ था, आपको बताया कि प्रतिष्ठित पत्रकार थे, निधन हुआ इनका कहाँ? मुंबई में। ये भी ज़रा देख लीजिए, मुंबई में हुआ है ना, ये याद रखिएगा। और तो कुछ बताना नहीं। हाँ, यस, एक फैक्ट ये है कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह के बारे में जो भी मैंने बताया है, तो ये पेंशन राज्य मंत्री, लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री हैं, याद रखिएगा, लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री हैं। ये फैक्ट भी देख लें ज़रा सा, पेंशन मंत्री के साथ पेंशन राज्य मंत्री लगा लें, पेंशन राज्य मंत्री हैं। ठीक, याद रखना है आपको। और उसी लिए ये ई ऑफिस पर बेस्ड राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन हुआ है, इन्होंने उद्घाटन किया है निपटारे के लिए, लोक शिकायतों के निपटारे के लिए। ये लाखों की तादाद में कंप्लेंट्स होती है, ये होती है, आयोजित हुई है। ठीक है, तो ये तीन फैक्ट और एक्स्ट्रा से मैंने आपको बताएं, याद रखिएगा। चलिए अब आपसे थोड़ी सी बात कर लेती हूँ दोस्तों। आजकल मैं दो वीडियो क्यों नहीं भेज रही हूँ, इसका एक रीज़न है। ज़्यादा से ज़्यादा वॉच टाइम पे ध्यान दीजिए, क्योंकि एक महीना बचा है। अगर हमने सब्सक्राइबर्स और वॉच टाइम पे ध्यान नहीं दिया तो हमारी पूरी मेहनत बेकार चली जाएगी। तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा वॉच टाइम पे ध्यान दीजिए, सब्सक्राइबर्स पे ध्यान दीजिए, और लाइक शेयर कीजिए, अच्छे कमेंट्स कीजिए। जो नए लोग जुड़े उनसे उन्हें सब्सक्राइब करने की मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को हिट कर लें, ताकि हर नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। और लाइक कमेंट करके ज़रूर बताया करें, मैंने कल भी कमेंट्स पढ़े, बहुत अच्छे कमेंट्स आते हैं। और प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताया करें कैसा लगा आपको वीडियो। लाइक और कमेंट आपके मेरे अंदर कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करते हैं, और मुझे पता भी चलता है कितने लोगों ने जो है इसको पसंद किया। और प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, आपका बहुत सपोर्ट चाहिए कि वॉच टाइम पर कंप्लीट वॉच करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्लीज़ आप लोग वॉच करें। जो आपके अपने लोग हैं उनसे भी आप रिक्वेस्ट कर दें, अगर वो टाइम की कमी की वजह से ना भी देख पाएँ तो वो हेडफोन लगाकर छोड़ दें या म्यूट करके छोड़ दें, लेकिन वॉच टाइम ज़रूर इंक्लूड होना चाहिए। ठीक है ना, तो ये चीज़ें हैं, शेयर किया करें जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप कर सकते हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम। चलिए अब आगे चलें, क्वेश्चन ले लें। तो देखिए क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अभी पहला AI पुलिस ऑफिसर का अनावरण किसने किया है, किस देश ने किया है? क्वेश्चन देख लीजिए दोबारा, किस देश ने पहले AI पुलिस ऑफिसर का अनावरण किया है? अभी समझाती हूँ क्या है ये क्वेश्चन है, क्या पहले AI पुलिस
ऑफिसर का अनावरण किस देश ने किया है? तो ये है, क्या नाम है इसका, न्यूजीलैंड ने। किसने? न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड पुलिस ऑफिसर की शुरुआत की है। एक पुलिस ऑफिसर पहले ऐसा बनाया है इन्होंने जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस्ड है। किसने? न्यूजीलैंड ने इसका अनावरण किया है। तो अब इसको पुलिस ऑफिसर की पोस्ट मिल गई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस्ड है, ये सवालों का जवाब देने में सक्षम है, यानी कि बात कर सकता है। जब जाहिर सी बात है ये पुलिस ऑफिसर जो AI बेस्ड है, इनको ये सब क्वेश्चंस के आंसर करने में बिल्कुल सक्षम है, तो जाहिर सी बात है ये बात करने में सक्षम है। और ये पहले पुलिस ऑफिसर हैं, पहले, दुनिया के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड पुलिस ऑफिसर है ये। कौन है? AI बेस्ड पहला पुलिस ऑफिसर है ये, फर्स्ट पुलिस ऑफिसर ऑफ वर्ल्ड, ठीक है, पहला पुलिस ऑफिसर, पहला पुलिस अधिकारी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड पहला पुलिस अधिकारी। किसने अनावरण किया है? किसने अनावरण किया है, यानी किसने अनावरण किया है? न्यूजीलैंड ने। न्यूजीलैंड ने पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड पुलिस ऑफिसर का अनावरण किया है, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। न्यूजीलैंड की कैपिटल है वेलिंगटन, करेंसी है न्यूजीलैंड के डॉलर, क्या है करेंसी? डॉलर। और प्राइम मिनिस्टर हैं जैसिंडा आर्डन, ये इसके प्राइम मिनिस्टर हैं न्यूजीलैंड के, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, हाल ही में किस राज्य ने वित्तीय समावेशन अभियान की शुरुआत की है? अभी किस राज्य ने वित्तीय समावेशन अभियान लॉन्च किया है? तो किस केंद्र शासित प्रदेश होना चाहिए वैसे, किस केंद्र शासित प्रदेश ने, पर आपको जवाब मिल जाता है इसलिए मैंने नहीं बताया, किस केंद्र शासित प्रदेश ने वित्तीय समावेशन अभियान को लॉन्च किया है? तो जम्मू कश्मीर ने। अब जम्मू कश्मीर राज्य तो रहा नहीं, केंद्र शासित प्रदेश है, दो केंद्र शासित प्रदेश बने, एक लद्दाख एक जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल हैं, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं गिरीश चंद्र मुर्मू, इन्होंने वित्तीय समावेशन ऑपरेशन यानी अभियान शुरू किया है, वित्तीय समावेशन अभियान, ठीक है, शुरू किया है, लॉन्च किया है। अब ये है क्या वित्तीय समावेशन अभियान? तो नॉन बैंकिंग सेक्टर्स में बैंकिंग सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए ये शुरू किया गया है, लॉन्च किया गया है। जो नॉन बैंकिंग सेक्टर्स होते हैं उनमें बैंकिंग सर्विसेज, बैंकिंग फैसिलिटीज़ को शुरू करने के लिए, प्रोवाइड करने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए, ये मतलब नॉन बैंकिंग सेक्टर में बैंकिंग सर्विसेज देने के लिए ये क्या शुरू किया गया है? वित्तीय समावेशन अभियान। और ये जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू ने शुरू किया है। तो मुझे नहीं लगता मुझे कुछ अब बताने की ज़रूरत है जम्मू कश्मीर के बारे में। गिरीश चंद्र मुर्मू उपराज्यपाल है पहले, ये याद रखिएगा, ठीक है जी। बात समझ में आ गई अच्छे से? आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में द थिन माइंड बुक का विमोचन हुआ है। अभी द थिन माइंड बुक का विमोचन हुआ है, इसके राइटर कौन है? अभी हाल ही में द थिन माइंड बुक का विमोचन हुआ है, इसके लेखक कौन है, इसके राइटर कौन है? तो ये एक बुक है द थिन माइंड मैपिंग, क्या है? द थिन माइंड मैप है, मैपिंग नहीं है, द थिन माइंड मैप। कौन सी बुक है? द थिन माइंड मैप, फिर नाम सुन लीजिए, द थिन माइंड मैप, द थिन माइंड मैप ये बुक है, इसका भी विमोचन हुआ है। इसके राइटर कौन है? धर्मेंद्र राय इसके राइटर हैं। किसके? द थिन माइंड मैप। ये माइंड की मैपिंग पर आधारित है ये बुक। कौन सी? द थिन माइंड मैप। ये माइंड की मैपिंग की, इसमें माइंड की मैपिंग को आधार बना के मतलब इसको लिखा गया है, इस बुक को। तो माइंड की मैपिंग पर बेस्ड है ये, कौन सी बुक? द थिन माइंड मैप। तो आपको दो चीज़ें याद रखनी है, इस बुक का नाम और इसके राइटर हैं द थिन माइंड मैप के, धर्मेंद्र राय। कौन है? धर्मेंद्र राय, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अभी आपने सोचा
क्वेश्चन हाल ही में, अभी अभी तो देखना ही है। चलिए, क्वेश्चन का पार्ट था वो, एक्चुअली मैंने कहा तो हाल ही में अभी। ओके, हाल ही में अभी, हाँ, किस राज्य सरकार ने पढ़ने की आदतों को बढ़ावा देने के लिए रीडिंग मिशन लॉन्च किया है? हाल ही में अभी किस राज्य सरकार ने रीडिंग मिशन लॉन्च किया है या शुरू किया है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने पढ़ने की आदतों को बढ़ावा देने के लिए, रीडिंग हैबिट्स को, स्टडी हैबिट्स को डेवलप करने के लिए रीडिंग मिशन शुरू किया है? तो यह है हरियाणा राज्य सरकार, हरियाणा गवर्नमेंट ने अभी रीडिंग मिशन शुरू किया है। क्या रीडिंग मिशन? पढ़ने की आदतों को बढ़ावा देने के लिए है ये रीडिंग मिशन। तो रीडिंग मिशन या रीडिंग क्या कहेंगे, रीडिंग मिशन ही कहेंगे, ठीक। रीडिंग मिशन किस लिए? पढ़ने की, ये युवाओं में पढ़ने की जिज्ञासा और पैदा करने के लिए और पढ़ने की आदतों को ज़्यादा से ज़्यादा, अधिक से अधिक बढ़ावा देने के लिए हरियाणा सरकार ने रीडिंग मिशन लॉन्च किया है। क्या रीडिंग मिशन? किस राज्य सरकार ने? हरियाणा ने। किसके लिए? युवाओं के लिए, युवाओं को पढ़ने की आदतें, उनकी पढ़ने की आदत में बढ़ावा हो सके, डेवलप हो सके, ये प्रोग्रेस कर सके, ठीक है ना। तो ये हरियाणा गवर्नमेंट ने, हरियाणा की बात तो अब करनी ही पड़ेगी, जब हरियाणा की बात आ गई तो हरियाणा की बात आई है। हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़, जो पंजाब की भी है। हरियाणा के राज्यपाल कौन है? सत्यदेव नारायण आर्या, सत्यदेव नारायण आर्या। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर कौन है? हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हैं मनोहर लाल खट्टर, मनोहर लाल खट्टर, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला वायु गुणवत्ता नेटवर्क कहाँ लगाया गया है? भारत का पहला वायु गुणवत्ता नेटवर्क कहाँ स्थापित किया गया है? इंडिया का फर्स्ट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग नेटवर्क कहाँ स्टैब्लिश किया गया है? इंडिया का फर्स्ट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग नेटवर्क कहाँ स्टैब्लिश किया गया है? तो अभी मुंबई में, मुंबई में वायु गुणवत्ता को मापने और उसको ध्यान में रखने के लिए एक पहला एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग नेटवर्क लगाया गया है, बनाया गया है मतलब। तो पहला एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग नेटवर्क स्थापित किया गया है क्या? मुंबई में, वायु गुणवत्ता, क्या वायु गुणवत्ता नेटवर्क है ये, ठीक, मुंबई में। अब मुंबई तो महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र की कैपिटल है ये। अब महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी और उद्धव सिंह ठाकरे, सॉरी सिंह बोलती हूँ मैं, ये गलत है, उद्धव ठाकरे, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री यानी चीफ मिनिस्टर हैं, और उद्धव ठाकरे, ठीक है। और साथ ही मैं एक चीज़ और बता दूं कि इसके डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी हैं, जिनका नाम है अजीत पवार। क्या नाम है? अजीत पवार। ओके ओके, अब लास्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में विम्सटेक आपदा प्रबंधन अभ्यास 2020 कहाँ शुरू हुआ है? एक मिनट, शुरू नहीं, आयोजन किया जाएगा इसका। हाल ही में विम्सटेक आपदा प्रबंधन 2020 का आयोजन कहाँ होगा? हाल ही में अभी आप विम्सटेक आपदा प्रबंधन 2020 अभ्यास का आयोजन कहाँ होगा? अभी विम्सटेक आपदा प्रबंधन अभ्यास 2020 शुरू होगा यानी आयोजित होगा, कहाँ होगा? तो ये भुवनेश्वर में, भुवनेश्वर में विम्सटेक आपदा प्रबंधन 2020 एक्सरसाइज शुरू होगी। कहाँ? भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर किसकी कैपिटल है? ओडिशा की। अब ये भुवनेश्वर में होगा विम्सटेक आपदा प्रबंधन अभ्यास 2020 आयोजित, कहाँ? भुवनेश्वर में। तो उड़ीसा की कैपिटल है, उड़ीसा की कैपिटल है तो भुवनेश्वर। उड़ीसा के गवर्नर कौन है? गवर्नर हैं गणेशी लाल यानी राज्यपाल, नवीन पटनायक चीफ मिनिस्टर हैं, ठीक। उड़ीसा की बात कर लें तो उड़ीसा में व्हीलर द्वीप है, जिसका नाम है अभी एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। इसका नाम बदल के क्या कर दिया है? एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। और यहाँ पे इस पे अग्नि 5, पृथ्वी 2 का सफलतापूर्वक परीक्षण भी हुआ है और काफ़ी नाइट ट्रायल्स भी हुए हैं, ठीक।
यहाँ पर भितरकनिका, सिमलीपाल, ये सारे फेमस नेशनल पार्क भी हैं, याद रखना है आपको। अब विम्सटेक आपदा प्रबंधन अभ्यास है, ये जो उड़ीसा की भुवनेश्वर में, तो विम्सटेक आपदा प्रबंधन अभ्यास। विम्सटेक एक्चुअली क्या है? 8 देशों का एक समूह है जो बंगाल की खाड़ी के आसपास के 8 देश हैं, ठीक ये है। अब विम्सटेक की जो स्थापना थी कब हुई? 1997 में, 1997 में। विम्सटेक की फुल फॉर्म क्या है? वे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरियल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। क्या है? वे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरियल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। समझ में आ गई बात? वे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरियल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। विम्सटेक का हेडक्वार्टर कहाँ है? ढाका में। कहाँ है? ढाका में। ढाका बांग्लादेश की कैपिटल है, ठीक है, बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका। अब जो ये विम्सटेक है, इसके हेड कौन है? तो इसके सेक्रेटरी जनरल है एम शाहिदुल इस्लाम। एम शाहिदुल इस्लाम विम्सटेक के सेक्रेटरी जनरल हैं। अच्छा, विम्सटेक 8 देशों का समूह है बंगाल की खाड़ी के आसपास के, तो 8 देश कौन कौन से हैं? तो ये है भूटान, बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल, म्यांमार, थाईलैंड, श्रीलंका, एक कौन रह गया? भूटान हो गया, बंगाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, सॉरी, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, म्यांमार, थाईलैंड, श्रीलंका, म्यांमार तो हो गया ना, थाईलैंड, श्रीलंका, एक और कोई है रह गया है इसमें, कौन रह गया भाई? इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश हो गया, भूटान हो गया, इंडिया, नेपाल, म्यांमार, थाईलैंड, श्रीलंका। चलिए देखती हूँ कौन रह गया। तो ये 8 देशों का समूह है, इतने हैं इसमें, 8 देश हैं, ठीक है ना? तो ये आपको याद रखना है, ठीक। तो कैसा था आज का करंट अफेयर जरा मुझे बताइएगा। एक मिनट, ठीक है। तो आज का ये करंट अफेयर था, और इसके अलावा आपसे वही रिक्वेस्ट कि फुल वॉच कीजिए, ध्यान से सुनिए, और कमेंट बॉक्स में मुझे लिखिए भी, ठीक है, और इम्पॉर्टेंट डेज भी कोशिश कीजिए लिखिए, अच्छा लगेगा मुझे। अपना ख्याल रखिए, बहुत खुश रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।